गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मलाई से निकले हुए घी का मावा। ये मैंने डायरेक्ट मलाई से निकाला था, जो कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है। और ये भी मावा ही है जो कि मैंने बटर निकालने के बाद जो इसका लेफ्ट ओवर निकला था, वो ये क्वांटिटी में बहुत कम निकलता है। और इसके साथ हमें चाहिए एक कटोरी आटा, एक कटोरी शक्कर और आधा कटोरी बेसन। और इसके साथ अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो इसीलिए मैंने ये बहुत कम क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़े से बादाम, काजू, किशमिश और ग्रेट किया हुआ नारियल। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसन को थोड़ा सा भून लेंगे। इसको आप लगातार चलाते रहें क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। गाइज ये देखिए हमारा थोड़ा सा भुन चुका है, हल्का सा, क्योंकि इसकी भुनने की स्मेल आने लगी है। तो अब हम डालेंगे आटा, और आप गैस को लो से मीडियम ही रखिए, ज़्यादा तेज मत कीजिएगा, नहीं तो ये दोनों चीज़ें आपकी जल जाएंगी। तो चलिए अब ये आटा और बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लेफ्ट ओवर, जो मैंने कल मलाई से जो घी बनाया था, ये उसका लेफ्ट ओवर है जो हमने इसमें मिक्स कर दिया है। और अब हम लेफ्ट ओवर और डालेंगे, ये जो डायरेक्ट मलाई से बना हुआ, ये भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से ये इसके अंदर मिक्स कर दी। इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी होता है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम डालेंगे इसके अंदर शक्कर, एक कटोरी शक्कर जो हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, लग नहीं रहा है कि हमने इसमें घी डाला है, यानी क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी था। चलिए हम अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर देंगे। आप इसे मॉर्निंग में दूध के साथ बच्चों को खिला सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी डाइट है, इससे आपके बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी। और ठंड में इसे खाएंगे तो नहीं रहती, जिस तरह से कोल्ड वगैरह हो जाता है ना आपके बच्चों को, तो वो भी नहीं होगा। तो चलिए गाइस हमारी ये पंजीरी बनकर हो चुकी है तैयार। तो अब हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। देखिए मैंने ग्रेट किया हुआ नारियल भी इसमें मिक्स कर दिया। लग रही है ना लाजवाब? तो चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है ये बनकर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़ा सा इसको गार्निश कर दीजिए, और आप ये जो ग्रेट किया हुआ नारियल इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए गाइस आप इस तरह से पंजीरी भी खा सकते हैं, और इससे अगर आप चाहें तो छोटे छोटे लड्डू या जिसे आप कहते हैं पिनिया, वो भी बना सकते हैं। तो आपको इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसे गर्म ही रखिएगा, और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसे दबाते रहिए, और इसके आप थोड़ी छोटी छोटी पिनिया बना लीजिए। इस तरह से भी आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये पिनिया छोटी छोटी बनी हुई है ना। तो इस तरह
से आप इन्हें छोटे छोटे आकार दे सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने जो है लड्डू बना दिए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।